हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज के इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे, आपके बारे में इस पर्सन की करंट फीलिंग्स थोड़ी देर पहले आपको लेकर क्या थी, यही देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान को विजुलाइज करते रहें रीडिंग के दौरान और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूवर्स, यहाँ हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द बर्डन एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं अलोरेस, पार्टिसिपेशन एंड एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि ये पर्सन आपके बिना काफ़ी अकेले हैं और एकांत में बैठे अपने फ्रेंड से यही बातें कर रहे हैं कि ये जब कभी भी अकेले होते हैं तब ये आपको ज़्यादा मिस करते हैं। इस पर्सन को सबसे ज़्यादा याद अकेले में ही आती है आपकी, तो अकेले बैठे ही आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और ये ना आपको एक विश की तरह मान रहे हैं। आपको पाना इस पर्सन की विश है और ये विश हर हाल में पाकर रहेंगे, ऐसा इस पर्सन का मानना है कि आप इनसे दूर जाएं या फिर इनके पास रहें, आप 24 आवर्स ना समझ लो इनके दिल और दिमाग में चलते ही रहते हैं। ये आपको एक पल के लिए भी नहीं बुला पा रहे हैं। जब से इस पर्सन ने आपको देखा है, आपसे मुलाकात की है, आपको जाना है, समझा है, तो ये पर्सन आपका दीवाना सा हो गया है। ये पर्सन अब हर वक्त आप ही के पीछे लगा रहना चाहता है, यानी कि आप इसे दूर जाने की कोशिश भी करें तो भी ये पर्सन आपके पीछे पीछे आते रहते हैं। तो ये पर्सन जैसे कि आप पर लट्टू हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं आपके और इस पर्सन का मन ही नहीं लगता अकेले में। और ये जो इस पर्सन का दिल है ना, ये किसी भी काम में नहीं लग रहा है इन दिनों। ये सिर्फ और सिर्फ शादी के सपने देखते रहते हैं, शादी के बारे में प्लान करते रहते हैं कि आपकी फैमिली होगी, आपके साथ शादी होगी, तो ये शादी के ख्वाब बुन रहे हैं आपको लेकर। और आपसे शादी इस पर्सन का ख्वाब है, ये एक विश है इस पर्सन की जो कि शायद अभी पूरी हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके दिल में इस पर्सन के लिए उतनी फीलिंग्स, उतना अट्रैक्शन, उतना प्यार नहीं है जितना कि ये पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन आप पे बुरी तरह से फिदा है तो आप क्यों इससे दूर भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को क्यों हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके न्यू लवर हो सकते हैं ऐसा लगता है मुझे यहाँ, और इसी चीज़ का ये बर्डन ले रहे हैं। बर्डन तो मुझे लगता है आप भी ले रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी में जो कार्ड आया है वो द बर्डन ही आया है। तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी यही है कि आप दोनों ही किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं और मुझे लगता है आप इस पर्सन को पसंद करने लगे हैं और शायद आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आप इस पर्सन को पसंद करने लगे हैं। आपके दिल में भी वो प्यार वाला फूल खिल चुका है इस पर्सन के लिए, तो आप शायद अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स को ना इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी और को ज़्यादा पसंद करती हों, कोई और आपके मन में इस कदर समाया हुआ है कि आप इस पर्सन की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे, इस पर्सन के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन इसी को लेकर बातें कर रहे हैं कि ये आप पर पूरी तरह से फिदा हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी विश मानते हैं और दूसरी तरफ आप हैं कि इनकी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, इनसे बात करने से भाग रहे हैं, दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्यों आपके मन में क्या चल रहा है ये जान भी नहीं पा रहे, तो इसी को लेकर ये अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इस पर्सन के दिल में क्या है पता करने की कोशिश करो ताकि आप दोनों एक हो सकें। तो यहाँ पर ये अपने फ्रेंड्स के थ्रू ना आपसे पता करवाना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है। आप हो सकता है उस पर्सन को जानते हैं, वो आपका भी फ्रेंड हो, तो यहाँ पर आप तीनों ही मुझे लगता है अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। तो एक दूसरे की फीलिंग्स जानने की कोशिश में ये पर्सन लगे हुए हैं, थोड़ी देर पहले इसी के बारे में बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आपके बिना इस पर्सन का दिल नहीं लगता, काफ़ी अलोनेस फील होती है इस पर्सन को आपके बिना। तो इस पर्सन का दिल है कि आप इसकी लाइफ का हिस्सा बने और आप दोनों एक होकर रहेंगे, ये पर्सन ऐसा मानते हैं क्योंकि ये पर्सन पर ना दिलो जान से फिदा है। इस पर्सन के दिल में आप बहुत अच्छे से समा चुके हैं, तो ये पर्सन आपको चाह कर भी अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगे, ये आपके ही होकर रहना चाहते हैं पर्सन। और थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड से इसके बारे में बातें कर रहे थे कि ये आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, प्यार करने लगे हैं, तो ये आपको बताना भी चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। तो थोड़ी देर पहले इस पर्सन की जो करंट फीलिंग्स थी वो यही थी कि काफ़ी अकेलापन फील कर रहा था, ये पर्सन आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहा था और आपको बताने का सोच रहा था और आपकी फीलिंग्स जानने का सोच रहा था। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। अगर थोड़ी भी क्लैरिटी मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय।